यार जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो उसका डायलॉग, उसका हर एक सीन हमें याद रहता है। इतना ही नहीं, मूवी के पूरे सीन हमें याद हो जाते हैं, वो भी एक बार मूवी देखने के बाद। तो साला ये पढ़ाई ऐसी क्यों है, 10 बार पढ़ने के बाद भी कई चीजें याद क्यों नहीं रहती? आज आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट स्टेप तक देखना। पहला कारण है पढ़ाई का डर। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आपको किसी चीज का डर लगता है तो आप कितना भी प्रैक्टिस करो आप उस चीज को परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते हो। और ऐसा होता है क्योंकि उस चीज का डर आपके दिमाग में बैठा है, और जब तक ये डर दिमाग से नहीं निकलेगा ये पढ़ाई भी आसान नहीं बनेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब भी किसी ऐसे बंदे के सामने इंग्लिश बोल रहे हो जिसको इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, तब आप खुद नोटिस करना आप कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हो। और इसका एकदम उल्टा, जब आप किसी ऐसे बंदे के सामने हो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उस टाइम पर आप इंग्लिश में एक सेंटेंस तक नहीं बना पाते हो। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये होता है तुम्हारे अंदर के उस डर की वजह से। पहले सिचुएशन में आपके दिमाग में कोई डर नहीं था, पर दूसरे सिचुएशन में आप डर गए और इसी वजह से आपको इंग्लिश आते हुए भी आप वहां पर बोल नहीं पाए। और यही पढ़ाई का डर आपके दिमाग में बैठा है कि मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है या मैं पढ़ूंगा फिर भी याद नहीं रहेगा, और यही डर आपका इंटरेस्ट लूज कर देता है। और जब किसी चीज में आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है तब आप उस चीज को टालना शुरू कर देते हो, और यही बात होती है पढ़ाई के साथ भी। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई का जो डर अंदर बैठा है उसे निकाल दो। जो एग्जाम्स में टॉप करता है वो भी एक नॉर्मल बंदा ही है, अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। दूसरा कारण है इंटरेस्ट। दोस्तों कभी मूवी देखते हुए बोर हुए हो? हाँ, अगर मूवी बकवास है तो बात अलग है, पर अच्छी मूवी है और फिर भी आप बोर हो रहे हो, आई एम श्योर ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा। उल्टा मूवी के 2-2.5 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता तक नहीं चलता। तो साला जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो 10 मिनट पढ़ने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि 2-2.5 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं? घड़ी का टाइम जैसे रुक जाता है। और ऐसा होता है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट खुद को एंटरटेन करने में है, ना कि पढ़ने में। और ये इंटरेस्ट तब तक नहीं बदलेगा जब तक पढ़ाई का डर हमारे अंदर से नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्त मूवीज देखकर या खुद को एंटरटेन करके किसी के करियर नहीं बने आज तक। सो चूज योर इंटरेस्ट वाइजली। और तीसरा कारण है फोकस। दोस्तों जब हम मूवीज देखते हैं या टाइम पास करते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में कोई दूसरा ख्याल नहीं आता, पर जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तब पूरे दुनिया के ख्याल हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पाते, और फोकस ना कर पाने का रीजन है पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना। तो घुमा फिरा के बात आती है आपके पहले स्टेप पे, यानी कि आपके डर पे। ये सब पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने का रीजन ये है कि पढ़ाई के लिए आपके अंदर जो डर है उसे सबसे पहले अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि यही डर आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। और अगर कॉन्फिडेंस डाउन है तो कितना भी तेज दिमाग क्यों ना हो ये पढ़ाई का डर आपको डराता रहेगा। याद रखना, इस डर से डरना नहीं है, इस डर को डराना है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसलिए आपको एक बोनस टिप। दोस्तों डाउटनेट नाम का एक एप्लीकेशन है जहाँ वीडियो फॉर्मेट में आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलता है, और ये सही में इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। मैंने पिछले कई वीडियोज में इस एप्लीकेशन का जिक्र किया था जिस पर बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज भी दिए हैं। तो आप भी अपनी पढ़ाई के लिए इस एप्लीकेशन को जरूर यूज कीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार, मिलते हैं अगले वीडियो में।